हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वाति भामरा जी का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आई होप कि आपको पसंद आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। और गाइस, जो भी मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने ये उन्हीं से ही अचीव किया है मेकअप लुक। और मुझे ये मेकअप लुक उनका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। काफ़ी सटल और काफ़ी सिंपल मेकअप लुक था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो चलिए देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सबसे पहले मैक का फेस प्राइमर, और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर लगाकर ब्लेंड कर लूँगी। और ये बहुत ही सही वाला प्राइमर है। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और आपके बेस को स्मूथ बनाता है और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फाउंडेशन से पहले, और मैं इसे ही एज़ अ आई प्राइमर भी लगा लूँगी। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, और ये भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और ये भी आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। हाइड तो नहीं करता है, बट हाँ मिनिमाइज़ जरूर कर देता है। मैं इसे एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक में लूज पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी आई शेडो पैलेट से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। और समर्स है तो हमें हमेशा अपनी आईब्रोज़ में पाउडर फिलिंग ही करनी चाहिए, तो मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी, जो कि काफ़ी नेचुरल दिखता है। इस पैलेट से मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया है। नेक्स्ट मैं अपने मार्स आई शेडो पैलेट से ले रही हूँ ये ऑरेंज कलर का शेड। ये कुछ पीची सा शेड है, और पता नहीं गाइस मेरा कैमरा सही से आई शेडो का कलर क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है मेरे आई शेडो का। तो हो सकता है आपको कैमरा में मेरे आई शेडो का कलर जो है थोड़ा सा चेंज नज़र आए। और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। मैं अपनी क्रीज एरिया पर इसे लगा रही हूँ, अच्छे से अपनी क्रीज एरिया को बिल्डअप करूँगी। और आप देख सकते हैं मैं साथ ही साथ हल्का सा अपने आईलिड पर भी लगा रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है आपने। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये पिंक कलर का शेड, ये कुछ बेबी पिंक कलर का शेड है। इसे मैं एक बार और अपनी आईज़ पर लगा लूँगी और अपनी आईलिड पर भी लगा लूँगी अच्छे से, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का पर्पल कलर का शेड लूँगी मैं इस पैलेट से। और ये बहुत ही अच्छा ग्लिटर आई शेडो पैलेट है। स्वाति जी ने यहाँ पर ग्लिटर आईलाइनर का इस्तेमाल किया था, जो कि मेरे पास नहीं था। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये हुडा ब्यूटी के पैलेट से ले रही हूँ मैं ये लाइट पीची सा शेड है। इसे एक बार और अपनी आईज़ पर लगा लूँगी मैं अपने क्रीज एरिया पर अच्छे से, अपने आउटर वी पर भी अच्छे से लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, और मेरे पास ब्राउन कलर की पेंसिल नहीं थी काजल पेंसिल, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का ही लगाया है। ये मैक का काजल है, वैसे ये बहुत ज़्यादा डार्क काजल नहीं है, जेट ब्लैक बिल्कुल नहीं है। ये स्मज प्रूफ भी नहीं है और ना ही ये वाटर प्रूफ है, तो मुझे काजल कुछ खास नहीं लगा वैसे, बट ये हाँ अब पैसा वसूल तो करना है भाई। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये ऑरेंज कलर का शेड और पिंक कलर का मिक्स करके लगाऊंगी मैं अपने लोअर लैश लाइन पर, जिससे कि मेरा काजल जो है लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का आईलाइनर, और ये आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस। इसका एप्लीकेटर बहुत ही अच्छा है इसका एप्लीकेटर, और इतना ईजिली आप इसे विंग्ड बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है विंग्ड जब आप इसे बनाते हैं, तो मुझे इसका एप्लीकेटर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और साथ ही जी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंग्ड नहीं बनाया है, बहुत ही स्मॉल सा विंग्ड आईलाइनर लगाया है, तो मैं भी कुछ ऐसा ही लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा, और ये मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, आपके आईलैशेस को भी अच्छी लेंथ देता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मार्स कंटोरिंग पैलेट से अपने फेस की कंटोरिंग कर लूँगी अच्छे से, और ये मैं पाउडर कंटोरिंग कर रही हूँ जैसा कि समर्स हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश, सिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर से अपना हाइलाइटर लगा लूँगी अच्छे से।
और ये है मेरा फाइनल लुक. आई रियली होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे. मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड्स साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.